हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। फ्रेंड्स, जो ये आज 26 मई 2019 को जो पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है डी फार्मा के लिए, उसमें जो बायो के 50 क्वेश्चंस आए हैं, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे ये डी फार्मा का पेपर मिल गया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक आंसर की तैयार कर देता हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो बायो के 50 क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मेरे पास हैं, आपने जो पैटर्न चूज़ किया हो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन इन अ डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड। तो हमें पता है जब डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसमें इंट्रॉन जो इनएक्टिव पार्ट होते हैं और जो एक्सॉन जो एक्टिव पार्ट होते हैं वो दोनों पार्ट होते हैं। तो हम लोग पहले इसको जो इंट्रॉन होते हैं इनको हम लोग रिमूव कर देते हैं, सिर्फ एमआरएनए में जो होते हैं वो एक्सॉन पार्ट ही रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जब ये इंट्रॉन का रिमूवल कहलाता है स्प्लाइसिंग। तो पहले का सही आंसर होगा स्प्लाइसिंग, 51 का आंसर है स्प्लाइसिंग। दूसरा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज़ बीन used in the development of plant resistant to, इसका आंसर होगा nematodes। जो RNA interference होती है ये nematodes के लिए use की जाती है। Next question है, when two unrelated individuals या lines are crossed the performance of F1 hybrid is often superior to both its parent, this phenomena is called। जब कोई दो अलग अलग पेरेंट्स का क्रॉस करा के जो प्रोजनी बनती है F1 जनरेशन में वो अपने दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर होती, इसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस। तो इसका सही आंसर होगा हेट्रोसिस। अगला क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, इसमें दोनों में इन्वॉल्व होती है कौन सी, मियोसिस। मियोसिस से ही माइक्रोस्पोर बनते हैं और मियोसिस से ही मेगास्पोर बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, द आइज़ ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर, जो आलू होता है उस पर जो आइज होती हैं ये एक्सिलरी बड होती है। तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट इज कैरीड आउट टू टेस्ट, जो विडाल टेस्ट होता है ये टाइफाइड के लिए होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है, अ ह्यूमन फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम, किसी फीमेल के अगर टर्नर सिंड्रोम होता है तो नॉर्मल फीमेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जो दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें से एक एक्स जो होता है वो गायब हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है, तो उसमें सिर्फ एक ही एक्स रहता है। तो 46-1=45 क्रोमोसोम रहेंगे विद एक्स और जीरो के साथ। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, इफ़ टू पेरेंट्स विद ए बी, इसका आप क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोडोमिनेंस। जो ब्लड ग्रुप वाला ए और बी ब्लड ग्रुप है ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विदस्टैंड इन्वायरमेंट एक्सट्रीम एंड कैन नॉट बी डिग्रेड बाई एन एंजाइम इज, मतलब कि इन्वायरमेंट में ऐसा कौन सा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो एंजाइम के द्वारा भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसका हो जाएगा स्पोरोपोलिनिन। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा था कि एक ये क्वेश्चन है, आप इसको क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा 0%, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल, इसमें इनमें से कौन से जो चारों ऑप्शन है इसमें कौन से जो सेल है वो डेड है, तो इसका आंसर होगा फेलम, जो फेलम होता है वो डेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अकर्स थ्रू, जो जिंजर अदरक होती है उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो राइजोम के थ्रू होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाई, ये एंजियोस्पर्म का करेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही होता है और किसी में नहीं होता। फ्लावर आर जाइगोमार्फिक इन, तो ये गुलमोहर है, गुलमोहर जो फ्लावर होता है इसका फ्लावर जो होता है वो जाइगोमार्फिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट
मेम्ब्रेन बाउंड, किसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, राइबोसोम, इसीलिए ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम इज, तो जो लेग हीमोग्लोबिन होता है इसका काम होता है ऑक्सीजन को रिमूव करना, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर, जो इंसेक्ट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा हैं अर्थ पे, इनकी सबसे ज़्यादा स्पीसीज सबसे ज़्यादा होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा इंसेक्ट। अगला क्वेश्चन है ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट बाई, इसका ऑप्शन होगा डी, पुलिंग एंड पुशिंग इट रिस्पेक्टिवली, पहले पुलिंग होती है बाद में पुशिंग होती है, जो ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर के थ्रू। इन हार्डी विनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसका आंसर होगा सी, 2PQ, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेटर बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, इसका हो जाएगा जिटेनोगैमी, क्योंकि जो ऑटोगैमी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक ही फ्लावर होता है उसी का एंथर उसी के स्टिग्मा पे गिरता है, ये होता है ऑटोगैमी। और जिटेनोगैमी क्या होता है, एक ही प्लांट में अगर दो फ्लावर लगे हुए हैं तो इसका जो मेल गैमीट है वो इसी प्लांट के फीमेल गैमीट्स के साथ फ्यूज करता है, ये इसी का एक ही फ्लावर का जो एंथर उसी के गाइनोशियम से फ्यूज हो जाएगा, और इसमें जो मेल गैमीट होता है एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर इन्वॉल्व होते हैं, तो ये जिटेनोगैमी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू RNA, तो RNA पे चागाफ रूल जो होता है वो चागाफ रूल वो अप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेज आर द मेजर कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो CO2 और N2O। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रिफर्स टू एज, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड अलाउड नो मूवमेंट, किसमें मूवमेंट नहीं होता, कौन से ज्वाइंट जो फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि MTP इज कंसीडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो मतलब कि अगर 12 हफ्ते की कोई प्रेगनेंसी है तो उसको हम अबॉर्ट कर सकते हैं, ये सेफली होता है। 12 वीक के बाद कोई भी अगर प्रेगनेंसी है तो उसको हम अबॉर्ट नहीं कर सकते, उसमें काफ़ी ज़्यादा फीमेल के लिए रिस्क होता है। अगला क्वेश्चन है फिलीफॉर्म एपरेटस इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर, ये सिनर्जिड्स का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। अगला क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन आर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, जो हमारी जो हार्ट से जो मेन आर्टरी निकलती है उसको हम लोग आर्टा बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर किस टाइम होता है, इसका आंसर होगा ए, जब हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो सिस्टोल करता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्स्ट्रक्शन होता है तब सबसे ज़्यादा प्रेशर आर्टा में होता है। अगला क्वेश्चन है फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल, इसका आंसर कुछ मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड, इसे हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम। अगला क्वेश्चन है टू ऑप्टेन वायरस फ्री हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम अ डिजीज्ड वन बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक विच पार्ट या पार्ट्स ऑफ द डिजीज्ड प्लांट विल बी टेकन, इसका आंसर होगा बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम में और एक्सिलरी मेरिस्टम में कोई भी वायरस नहीं होता, तो वायरस फ्री जो अगर पूछा जाए कि प्लांट में वायरस फ्री जोन कौन सा है तो एपिकल मेरिस्टम और एक्सिलरी मेरिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है वो रेसिव डिजीज होती है ना कि डोमिनेंट, तो ये इनकरेक्ट पूछ रहा है इसमें, तो इसका मतलब कि ये फर्स्ट हो जाएगा, ये डोमिनेंट डिजीज नहीं है। अगला क्वेश्चन है आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल्स विच, तो इसमें हो जाएगा जो आर्टरीज जो हैं उनको हम कैसे अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। हार्ट से जो जो वेसल्स होती हैं जो हार्ट से जो ब्लड को ले जाती हैं उनको हम लोग कहते हैं आर्टरी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाई, तो इसकी खोज जो है ग्रिफिथ ने की थी। आंसर सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ए प्लेसेंटेशन इन प्रिमरोज इज बेसल, तो बेसल जो प्लेसेंटेशन है वो प्रिमरोज में होता है। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। पूछ रहे हैं विच ऑफ द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म कौन सी है जो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो जेनेटिक वेरिएशन लाता है। इसका हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई प्ले नो रोल इन हियरिंग एज सच बट इज अदरवाइज वेरी मच रिक्वायर। ये कह रहे हैं कि हमारे कान में ऐसा कौन सा पार्ट है जो सुनने में हेल्प नहीं करता है लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये हो जाएगा यूस्टेशियन ट्यूब। ये यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है कान से आकर के हमारे माउथ में खुलती है, तो कभी भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब हमारे पड़ोस में काफ़ी तेज़ी से आवाज़ होती है अचानक, या कोई पटाखा दग गया या कुछ भी हो गया, तो हमारा जो माउथ होता है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। ये जो कान का जो प्रेशर होता है उसको माउथ के थ्रू निकाल देता है। तो जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है ये कान से होते हुए हमारे माउथ में खुलती है, इसीलिए अचानक से कोई बहुत तेज़ी से आवाज़ आने पर हमारा जो मुंह है वो अपने आप ही खुल जाता है। तो इसका आंसर होगा ए यूस्टेशियन ट्यूब। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट्स। इसका हो जाएगा आंसर डी ग्लोमस। द लेबल ऑफ हर्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन, तो जो हर्बेरियम सीड हम लोग बनाते हैं उस पर कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की लंबाई कितनी है, ये हम हर्बेरियम फाइल पे नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग आर, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ए सी एंड वाई ए सी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और ये वाई ए सी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसका बी आंसर। अगला क्वेश्चन है डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, ये होते हैं डीएनए जो फ्रेगमेंट होते हैं ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। अगला क्वेश्चन है द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर। जो लास्ट दो क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल्स ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम, जो ऐसा कौन सा अंडरग्राउंड स्टेम है जो हम लोग खाते हैं, तो पोटैटो आलू जो होता है ये अंडरग्राउंड स्टेम है और हम लोग इसको खाते हैं। फ्रूट्स एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाई द एप्लीकेशन ऑफ, तो अगर फ्रूट और लीफ जो हो रही हैं बहुत जल्दी अगर गिर जा रही हैं तो अगर हम ऑक्सीजन का छिड़काव कर देंगे प्लांट पे तो काफ़ी उन पर असर रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके फ्रेंड्स, ये जो 50 क्वेश्चन थे जो बायो के थे ये मैंने डिस्कस कर लिए हैं। हो सकता है आंसर किए आने पे एक दो क्वेश्चंस का फ्लक्चुएशन हो सकता है लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस का फ्लक्चुएशन नहीं होगा, मोस्टली सारे आंसर जो हैं वो सही हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।